तो हमें क्या करना है, सबसेट बनाना। तो सपोज मैंने यहां पे सबसेट बनाया, चलो फर्स्ट वाला में बनाता हूं, क्या वन ये जो एलिमेंट है क्या ये ए में प्रेजेंट है? आंसर यस है कि नो? यस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और एक एक सेट बनाते हैं, सी वन फोर थ्री, क्या सी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है क्या? नो नो सर, नहीं, तो ये सबसेट नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं डी सेट, यहां पे हम लोग यूज करते हैं वन टू सेवन, क्या ये सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है क्या? यस सर। यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। चलो ई सेट, क्या सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है क्या? यस सर। यस सर। यस, क्यू यस आपको लिखा के दिया था, एवरी नल सेट क्या रहता है, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए। ये मैंने आपको नोट करके लिखाया है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप चाहिए तो ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एफ लिखते हैं, एफ लिखेंगे वन थ्री, क्या ये सबसेट है ए का? क्यों यस बता सकते हो? क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एक आप खुद से बनाओ, बाकी का तो मैंने सिखा दिया। सर इसमें मतलब क्या करना है, बस ए दिया, बाकी का तीन अपने मन से लिखना है कुछ भी? तीन, एक, दो या फिर कोई भी मत लिख, वो भी चलेगा अपने मन से। सर हम लोग ने लास्ट टाइम किया था सर, ये किया था, थर्ड क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, पी डैश वाला किया था ना क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम। ओके ओके सर। हाँ बोलो सर। सी सबसेट नहीं है मतलब, क्योंकि सारे एलिमेंट नहीं आ रहे ए में, तो सर सी सबसेट नहीं है तो फिर क्या लिखने का? फिर मत लिखो, मतलब नहीं पूछा है ना हम लोग को सबसेट लिखने बोला है, नहीं आया तो नहीं है ना, मतलब सबसेट आया तो हम लोग लिखते ना बी सी ए ऐसा लिखते, तो कुछ नहीं आया तो क्या लिखते? सी इज नॉट अ सबसेट लिखोगे? उसका साइन कैसे है? उसका कोई साइन नहीं, सिर्फ लिखना अपने को। ओके सर थैंक्स। चलो मैं जी आपके लिए लिखता हूँ, आप क्या लिख सकते हो? टू लिख के छोड़ दो। सर इससे कितना करना है? कितना भी, आपने को तीन पूछा है, मैं आपको इनफाइनाइट इनफाइनाइट ने जो पॉसिबिलिटीज है वो बता रहा हूँ। क्या टू आ सकता है सबसेट? देखो चलो एक एच बनाते हम लोग एक और, क्या ये सबसेट है? Because this element is also present in A. DHI. क्या ये subset आएगा? Nine. No. No sir. Because this is not present in A. Sir. हाँ बोलो, कुछ doubt है? Sir कौन सा बता रहा, मेरा net थोड़ा सा खराब है। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, नेक्स्ट सम के इसमें ध्यान दो, नेक्स्ट सम के ऐसा भी रिकॉर्डेड है सब। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं। क्या लिख के याद रख, आपको बस तीन बनाने का था, मैंने बहुत सारे बना दिए, आपको बस कोई तीन लिखना था। चलो पी ए वाला करना, ये फिफ्थ क्वेश्चन जरा ट्राई करो। कौन किसका सबसेट रहेगा ये सोचो। पी क्या है साइड में लिखता हूं, पी इज फॉर पुणे, एम इज फॉर मध्य प्रदेश, आई इज फॉर
इंदौर, आई होप सबको बताओ इंदौर किधर है, इंदौर किधर है? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश. डी इज फॉर इंडिया, एच इज फॉर महाराष्ट्र. ओके चलो अभी हम लोग एक एक करके ट्राई करेंगे. आप मेरे को खुद बताओ, पुणे, पुणे किस में आता है? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. पुणे किसका सबसेट रहेगा? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का सबसेट रहेगा, दैट इज पी इज अ सबसेट ऑफ एच. सर ये पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस आंसर लिखा. नहीं नहीं, बस 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं. चलो हाँ सर वही बोल रहा हूँ, बस पूरा क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है ना, पी इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन पुणे. हाँ क्या पुणे इंडिया में आता है क्या? Yes. तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया आएगा. ये हो गया पुणे से रिलेटेड. क्या पुणे सबसेट आएगा महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश का आएगा क्या? नहीं आएगा. दिस इज रॉन्ग. क्या पुणे इंदौर का सबसेट आएगा क्या? नहीं. Only these two are correct. चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे मध्य प्रदेश के लिए. आप मध्य प्रदेश किसका सबसेट आएगा? इंदौर इंडिया. चलो चलो सोचते, चलो इंदौर का है क्या सोचते. क्या मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर आता है? नहीं. क्या मध्य प्रदेश किधर आता है फिर, किसके अंदर आता है? महाराष्ट्र. इंडिया. इंडिया में क्या अंदर आता है? ठीक है इंडिया. तो इधर आएगा इंडिया, तो ये राइट रहेगा. सर हाँ बोलो. सर पीसी आया, सर आ इंडिया के लिए आई नहीं है बी. इधर लिखा है, चेक करो इधर दिया है, चेक करो. सर मैं क्वेश्चन से देख रहा था. हाँ रुजिरा आपने पुणे इंडिया में आता है ना, तो आपने इंदौर लिखा है फर्स्ट में. ओ सॉरी इधर ना, सर मैं यही बोल रहा था. आराम से बोलो, आपका आवाज इतना लाउड है ना मेरे को समझने को ही नहीं होता है. आराम से बात करो. चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ऑफकोर्स मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में तो नहीं आएगा ना, पुणे में आएगा. Of course, only up till India. चलो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे किसके लिए? इंडिया. क्या इंडिया किसी का सबसेट है? नहीं. तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं आएगा. चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए. महाराष्ट्र इज एच. महाराष्ट्र किसका सबसेट रहेगा बताओ? इंडिया. फिफ्थ हम लोग करेंगे इंदौर के लिए. इंदौर किस किस का सबसेट रहेगा? मध्य प्रदेश का आएगा. इंडिया किसका सबसेट रहेगा दूसरा? सॉरी इंडिया ने इंदौर किसका सबसेट रहेगा? इंडिया का. क्या इंदौर सबसेट ऑफ पी आएगा क्या? नहीं. क्या इंदौर सबसेट ऑफ महाराष्ट्र आएगा क्या? नहीं. इंदौर इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोथ महाराष्ट्र एंड पुणे. क्लियर है? अब आप मेरे को खुद बताओ कौन रहेगा यूनिवर्सल सेट इसमें, कौन रहेगा यूनिवर्सल सेट? इंडिया. दैट विल बी बिग सेट. कौन सा सेट? सुपर सेट. कौन सा सेट? कौन सा सेट? नाम क्या है? मध्य प्रदेश है ना, एम मध्य प्रदेश है ना, और मध्य प्रदेश इंदौर का सबसेट है, तो आपने रॉन्ग लिखा है उधर. हाँ तो मध्य प्रदेश इंदौर का सबसेट नहीं रहेगा ना, मैंने आपको बताया था ना, मध्य प्रदेश इंदौर अंदर नहीं आता. मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर आता.
मतलब इंडिया कल्याण के अंदर आता है क्या? नो no. नहीं ना, तो अपोज उल्टा होएगा ना, सबसेट नहीं रहेगा। क्या तक हो गया सबका लिख के? सेट बी हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा। लिखा सबने? हाँ सर। नो सर राइटिंग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लो, फिफ्थ वाला ट्राई करना सब लोग। फिफ्थ नहीं सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करें। सिक्स्थ क्वेश्चन तो यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? उधर लिखा है ना? इंडिया आएगा ना, जिसमें सब सेट है ना। सर तो फिर ऐसे लिखेंगे ना, द यूनिवर्सल सेट इज बी। या सेट बी विच इज रेसिडेंस इन इंडिया। चलो अभी हम लोग क्या करते, ए पार्ट करते। तो ए सेट में कौन कौन आएगा? ए सेट में 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। चार ही लिखो, उसके आगे बस डॉट 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 डालना। चलो बी सेट में कौन कौन आएगा? 7, 14, 21, 24, 28, 28, 28, 35, 35, 42, 49। चार तक। फिर सी में कौन कौन आएगा? 12, 24, 36, 24, 36। फिर नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? 48, 48। बस और आगे सर? हाँ बोलो सर। 5, 10, 15 के बाद डायरेक्ट 25। चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना यहाँ पे, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। अब ऑफ कोर्स 5, 7 और 12, 10, 14, 24 कैसे टाइप के नंबर है ये? नेचुरल नंबर है ना, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा? नेचुरल नंबर रहेगा, सिंपल। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ वन। सर ये समझे? देखो ना ये 5, 10, 15, 20 ये कैसे टाइप के नंबर्स है सर? नेचुरल। हाँ तो इन सबको अगर मेरे को एक ही यूनिवर्सल सेट में फिट करना है, मेरे को सोचना पड़ेगा ना ये सब नंबर्स कैसे टाइप का नंबर्स है। तो ये सारे नंबर्स कैसे टाइप के नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स है ना। यस सर। तो अगर मेरा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर रहेगा तो सारे एलिमेंट्स इसमें फिट कर सकते हैं ना, सब एलिमेंट्स इसमें फिट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला सोचो, या तो हो गया सबका लिख के फर्स्ट वाला पार्ट? यस सर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ फोर। सबसे पहले चीज, पहले फोर का मल्टीपल्स लिखो, क्या क्या रहेगा? 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 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 8
डॉट 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 डॉट। फिर फोर के पहले इंटीजर कौन है, क्या आएगा जो मल्टीपल है फोर का? माइनस फोर। माइनस फोर। फिर माइनस थ्री। माइनस एट। माइनस माइनस एट। माइनस ट्वेल्व। माइनस सिक्सटीन। और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इसको,
एक सेकंड रुको, क्या अभी आप क्या कर सकते हो? जीरो नहीं, जीरो भी आप डाल सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो भी आप डाल सकते हो, ठीक है, जीरो भी लिखना है इधर बीच में, जीरो भी। और ये क्या आएगा हमारा, सेट पी आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। तो ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स क्या क्या रहेगा, टू का स्क्वायर क्या रहेगा, फोर, इवन स्क्वायर नंबर्स, तो टू के बाद पहले फोर का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वन है नाइन, क्या नाइन आएगा, इवन स्क्वायर नंबर है क्या, नाइन चेक करो, क्या ये इवन नंबर है, नहीं ना, नेक्स्ट आएगा सिक्सटीन, आएगा सिक्सटीन इज द इवन स्क्वायर नंबर, क्या ट्वेंटी फाइव आएगा, नहीं नहीं, नेक्स्ट कौन आएगा फिर, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन आते रहेगा, ठीक है, आगे आगे आते रहेगा। अब पी और टी के लिए आप जरा चेक करो, क्या ये फोर सिक्सटीन और थर्टी सिक्स कैसे टाइप के नंबर है, मल्टीपल्स ऑफ़ नंबर है, कैसा नंबर है आपको पूछ रहा हूँ, नेचुरल इवन, और ये कैसे टाइप का नंबर है, इंटीजर्स, तो आप बताओ यूनिवर्सल सेट में कौन आना चाहिए, रैशनल, सोचो कौन आएगा, रैशनल, रैशनल नहीं आएगा, इंटीजर्स, इंटीजर्स आएगा, ठीक है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है ये क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, रैशनल भी आएगा लेकिन रैशनल बाद में आप सोचोगे, पहले इंटीजर है, यूनिवर्सल सेट रहेगा इंटीजर नंबर्स, क्योंकि 4, 16, 36, माइनस 12, माइनस 8, माइनस 4, 0, दीज आर ऑल इंटीजर नंबर्स, इसीलिए। यहां तक हो गया सबका लिख के, यस सर। अब मैं जरा इसका वेन डायग्राम जरा आपको समझाता हूं, जरा ध्यान दो, सबसे पहले चीज फर्स्ट आपको क्या बोला है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास बी यूनिवर्सल सेट, तो ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास को क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट, तो ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट रहे, जस्ट एक सेकंड रुको, यहां पे मैं लिखता हूं, ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, नेक्स्ट क्या बोला है, सेट ए क्या है, 50% और मोर मार्क्स, तो मैं इधर क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं एंड इसको क्या बनाता हूं, आई विल राइट इट एज सेट ए, ए सेट क्या रहेगा, क्या रहेगा ये सेट, 50% और मोर मार्क्स, 50% और मोर मार्क्स, 50% प्लस मार्क्स स्कोर किया, तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, मतलब ए जो नहीं रहेगा क्या रहेगा, ए जो नहीं रहेगा, how will I write it as, सोचो, 50% all students in class, okay, देखो सबसे पहले चीज ए में क्या है, 50% मार्क्स है, तो ए के बाहर कौन रहेगा, remaining 50%, सोचो 50% से less रहेगा, less than 50%, समझ गए, less than क्या रहेगा, 50%, तो आप कैसे लिखोगे, write the complement of set A, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या रहेगा, स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 50% मार्क्स, स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 50% मार्क्स आएगा, ए डैश लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ए डैश लिखोगे इसको, हरिशान क्या पूछा आपने, इसके नीचे क्या लिखा आपने,
स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 50% मार्क. सर्कल के अंदर 50% प्लस मार्क्स, 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स. वो जस्ट समझाने के लिए, वो बनाने का जरूरत नहीं था, वो बस इसका कॉम्प्लीमेंट बोला. So, can you explain it one more time, please? Yeah, see, if suppose in our class there are suppose say 6 students, okay? Let's consider Swanika, Prince, Aaron, and Rishabh, Benoit, and let's say Rujula. Chalo, so these students, one of them scored 50%, either 55%, then some of them scored less marks, 36. 25, 65% and 75%. Now, what will be set A? These are students who score 50% or more than 50%. So, who will come in set A? Kaun kaun aayega? Who will come? Bata, S. Sabko bata, kaun kaun aayega? Swanika aayega, phir P. P. Then B. E. Then R. U. So, who will come in A complement? Students who score less than 50. So, kaun kaun aayega? A aayega. A. Dusra aayega R I. So, how will I write it as? I will write it as student scoring less than 50%. So, that will be our A complement. Okay, sir. Chalo. Ab hum log jaate hain next part pe. That is operation on set. Sab already humne cover up kiya hai. Chalo, now oh, wow, nice word problems pe aa gaye. To hum log sabse pehle main aapko kuch examples deta hu, aap zara try karna. Ek second ruko. Just take some. ओके आपको यहां पे क्या दिया है, यू आर गिवन सेट ए दिया है और सेट बी दिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, सेट ए दिया है, सेट बी. आपको क्या लिखना है, यूनियन लिखना, इनका यूनियन क्या आएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग ये सीखते हैं कैसे इसका यूनियन लिखते हैं. तो देखो, फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, वी आर गिवन ए इज वन, सॉरी माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फाइव, जीरो. बी हमें दिया है जीरो, थ्री, फाइव. पहले चीज आप क्या करो, वेन डायग्राम बनाओ. वेन डायग्राम जरा बनाओ इसका. नतालिया कैमरा चालू करना, नतालिया, जिया और नंदिनी. पहले हम लोग बनाएंगे सेट ए, दूसरा हम लोग बनाएंगे सेट बी. ओके, अब सेट ए में कौन कौन आएगा, ए में, चलो इसको मैं ए बनाता हूं. कौन कौन है ए में? दोनों में कॉमन है, ए और बी में. बी में कौन कौन आएगा? थ्री फाइव, थ्री एंड फाइव आएगा. तो सपोज मेरे को ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा? जीरो. दोनों में कॉमन कौन है? सिर्फ जीरो है. ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा? माइनस वन, फिर और कौन आएगा? माइनस थ्री, माइनस थ्री, फिर माइनस थ्री, प्लस थ्री, थ्री और फाइव, फाइव और जीरो भी आएगा.
ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी. ओके, अगर आपको यहां पे ऐसे पूछा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट्स है बता सकते हो? कितना है? वन आएगा. एन ऑफ ए यूनियन बी कितना एलिमेंट आएगा ए यूनियन बी में? वन. चेक करो. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. कितना आ रहा है? सिक्स आ रहा. क्लियर है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप जरा प्रैक्टिस कर लेना. चलो अभी हम लोग एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए इज गिवन एज वन टू थ्री फाइव सेवन, और आपको बी दिया है थ्री सिक्स एट नाइन टेन. आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, एंड एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है. पहले वेन डायग्राम बनाओ सबसे पहले. जिया आर्या जरा कैमरा चालू करना, बंद मत करो. प्रिंस जरा कैमरा चालू करना. हेलो जेसन, कंपास यूज मत करो, हाथ से भी बना सकते हो. हाथ से बनाओ क्योंकि अभी बस प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करो. सर्कल हाथ से बनाओ. लेकिन वो सर्कल जैसा दिखना भी चाहिए, बस उतना ही है. चलो सबसे पहले सेट ए बनाता हूं एंड इसके साथ नेक्स्ट एक सेट बी बनाता हूं. सर ये अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग जस्ट एक टॉपिक कर रहे हैं, जस्ट आप ध्यान दो. वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ आप. सर और ये क्या है ए एन बी ए यू बी? ये आपको बताया था ना यूनियन, कल ही आप पूछ रहे थे मुझे इतना देर से. यू क्या रहता है, एन क्या रहता है, वही पूछ रहे थे ना कल. चलो सबसे पहले पता है उसके ब्रैकेट वाला एन ब्रैकेट ए एन बी. कोई बात नहीं, सिखा रहा हूं, ध्यान दो बस. चलो सबसे पहले नंदिनी बताओ ए में कौन कौन आएगा, ये ए सेट में, ये इस ए के सर्कल में कौन कौन आएगा? हाँ नंदिनी, कौन कौन आएगा ए में? देखो ना क्या क्या दिया था, क्या क्या दिया. वन आएगा, फिर और कौन? बोलो क्या आएगा और? टू आएगा, फिर थ्री क्या आएगा? दोनों में थ्री कॉमन है ना, तो थ्री कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा इधर. फिर नेक्स्ट कौन आएगा? फाइव. एंड लास्ट कौन आएगा? सेवन. नेक्स्ट जिया बताओ बी में कौन कौन आएगा? हेलो जिया, बी में कौन कौन आएगा? हेलो सर, ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है ना? नहीं, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं. शाबाश. सॉरी बताओ बी में कौन कौन आएगा? सर सिक्स. सिक्स आएगा, फिर एट नाइन और टेन.
नाइन टेन. चलो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा? मतलब सब लोग थ्री आएगा, सिर्फ थ्री आएगा. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? वन टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्स एट नाइन टेन. वेरी गुड, शाबाश. तो ढूंढना ही नहीं था, ए इंटरसेक्शन बी पूछा था. तो ए इंटरसेक्शन बी में बस कितना है? तीन ही प्रेजेंट है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? जस्ट एक ही है, बस उतना ही ढूंढना था. चलो सर ये समझा नहीं, क्या था ये? बस गिनना है इसमें, गिनो कितना है. सर एक ही है. हाँ तो कितना लिखोगे आप? एक है ना. चलो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा? वन चलो अभी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी गिनो कितना एलिमेंट्स है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो इधर कितना आएगा? सर वो n मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट है. हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट सम पे. है समझ में आई? डिफिकल्टी. चलो आपको c सेट दिया है 2 4 6 8 10, और सबको 10 o'clock के पहले PDF सबमिट करना है ग्रुप पे, क्लास वर्क का. तो सबको मैंने ग्रुप में ऐड किया है, तो जो भी लिखा हुआ है इस क्लास को तब सबमिटेड रहना चाहिए 10 o'clock के पहले. 10 के बाद मत करो, ग्रुप के बाहर रहोगे. ये बनाओ वेन डायग्राम इसका. लो चेक करो आपका वेन डायग्राम सही है कि नहीं, एंड मेरा कॉपी मत करना, मैं गलत लिख रहा हूं. मेरा कॉपी मत करना, पहले ही बोल रहा हूं. सर वही सेम ढूंढना है ना, यूनियन और वो सब? बराबर सेम क्वेश्चन है. आपको यूनियन ढूंढना है, इंटरसेक्शन ढूंढना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेक्शन बी, वही ढूंढना. ओके सर. पहले कैसे बनाते, देखना है एलिमेंट्स ऑफ सी जो बी में नहीं है. कौन कौन है एलिमेंट ऑफ बी जो सी में नहीं है? 16 20 16 20 16 20 सी में, सी में चेक करना है, सी में जो बी में नहीं है. हम लोग सी के लिए बना रहे ना. ओके ये कॉमन एरिया में, ये कॉमन एरिया में कौन कौन आएगा? 2 4 8 आएगा. और बी में कौन कौन आएगा? 16 20 20 20 आएगा. सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आएगा? 2 4 8 2 4 8 2 4 8 इधर आएगा 2 4 8. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा सी इंटरसेक्शन बी में? 3 3 3 3. नेक्स्ट आपको लिखना है सी यूनियन बी. इसका मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए एंड बी. तो कौन कौन है जो सारे ए और बी में, सब एलिमेंट्स का नाम बताओ, कौन कौन है? 2
4 6 8 4 8 10 16 20 16 and 20 क्या आपको क्या करना है, इनका नंबर गिनना है. तो कितना टोटल नंबर? 7. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. तक आई होप सबको समझा रहेगा. हाँ बोलो. ये वेन डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट है. प्रैक्टिस कर लो. पूछा अभी देखो आपको, अभी आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तो ये सब आने वाला है. अभी आप ये नेक्स्ट कब सीखोगे, जब आप बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे, जब सीख के रखो. कुछ नुकसान तो नहीं है ना, थोड़ी आपका मतलब कुछ जाने वाला है, सीखते रखने में क्या जाता है. चलो अभी डायरेक्टली करो. चलो आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी करो. चलो डायरेक्ट कर दो. 1 3 5 7 8 9 11 एंड बी में 3 5 7 11 13 17. अब डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान दो, मैं डायरेक्ट सिखाता हूं. ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है. देखो एक तो थ्री कॉमन, तो मैं क्या करता हूँ, थ्री लिखता हूँ यहाँ पे कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, फाइव लिखूंगा. सेवन कॉमन है, सेवन क्या, एट कॉमन, नाइन कॉमन है, नहीं इलेवन. आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो बिना वेन डायग्राम. कितना रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स? फोर रहेगा. अभी ए यूनियन बी करते. ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए एंड बी, दैट इज सारे एलिमेंट्स लिखो, बस रिपीट मत करना.